नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। लोक निर्माण मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा है, दिल्ली दुनिया का पहला शहर है जहां इतनी बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे सरकारी तौर पर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले लंदन में सरकारी तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, मगर उनकी संख्या बहुत कम थी और वो भी कई सालों में लगाए गए थे। आपको बता दें, सतेंद्र जैन ने दिल्ली विधानसभा में सरकार की सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की योजना पर सत्ता पक्ष द्वारा कराई गई चर्चा पर ये बात बोली। तो चलिए आपको विस्तार में दिखाते हैं पूरी खबर। चप्पे चप्पे पर होगी दिल्ली सरकार की नजर। दिल्ली होगी सबसे सुरक्षित। अपराधियों के हर कारनामे होंगे सीसीटीवी में कैद। राजधानी को सुरक्षित बनाने की पहल के अनुसार पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और साथ ही पूरे विश्व में एक नया रिकॉर्ड भी कायम होने जा रहा है, जिसके अनुसार पूरे विश्व में दिल्ली सबसे सुरक्षित शहर बन जाएगा। और इसी बाबत लोक निर्माण मंत्री सतेंद्र जैन ने सरकार की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पूरी राजधानी में 2.80 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पहले फेज में 1.40 लाख सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। सोमवार को दूसरे फेज में अतिरिक्त 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरों के लिए सरकार ने निविदा जारी कर दी है। निविदा जारी होने के एक साल के भीतर सभी कैमरे लग जाएंगे। इसके बाद पूरी दुनिया में पहली बार किसी शहर में इतने बड़े पैमाने पर सीसीटीवी से नजर रखी जा सकेगी। चर्चा में हिस्सा लेते हुए मंत्री जैन ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में लगने वाली बिजली का खर्च दिल्ली सरकार देगी। फिलहाल जिस तरह के कैमरे लगाए जा रहे हैं उसमें एक कैमरे में प्रतिमाह 6 यूनिट बिजली खर्च होगी। वहीं सीसीटीवी के एक पैनल पर 20 यूनिट का खर्चा आएगा। एक पैनल से 4 सीसीटीवी कैमरे जुड़े होंगे, इस लिहाज से महीने में कुल 44 यूनिट बिजली का खर्च आएगा। सतेंद्र जैन ने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक के SD कैमरों की रिकॉर्डिंग एक महीने तक सुरक्षित रखी जा सकेगी। वहीं 50 मीटर के दायरे की तस्वीर साफ सुथरी होगी। वाईफाई से युक्त सारे कैमरे वायरलेस हैं। अगर किसी कैमरे में कोई खराबी आती है तो तुरंत इसकी सूचना दिल्ली पुलिस के साथ PWD लगाने वाली कंपनी व RWA के पास चली जाएगी। कंपनी 5 सालों तक कैमरों का रखरखाव करेगी। वहीं इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन में बताया कि सीसीटीवी कैमरों को आम दिल्ली वाले अपनी सुरक्षा के लिए बेहतर कदम मान रहे हैं। अपना अनुभव साझा करते हुए सिसोदिया ने कहा कि वो जहाँ जहाँ इस बारे में बात करते हैं वहाँ के लोगों का मानना है कि बड़े ही नहीं छोटे छोटे अपराधों में भी इससे कमी आई है। एक उदाहरण देते हुए सिसोदिया ने बताया कि अभी एक मंदिर कमेटी की तरह बताया गया कि कैमरा लगने से ऐसा पहली बार हुआ कि जन्माष्टमी के दौरान उनके मंदिर में चप्पल चोरी नहीं हुई। जिन स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं उनके बच्चे बताते हैं कि अब उनकी पेंसिल गुम नहीं होती। उन्होंने कहा कि इलाकों में तैनात पुलिस वाले भी कैमरे को लेकर खुश हैं। प्रतीक शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।